गुड मॉर्निंग बच्चों, बेटा आपकी हमने 2.1 कम्प्लीट करी थी। आज हम आपके 2.2 को देखेंगे जो आपके साइन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसकी हम 2.2 अपनी देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो साइन है आपकी वो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 2.1 में तो सारा बेसिक था, बोली थी एक्सरसाइज थी, तो तकरीबन ऑलमोस्ट उसके सारे क्वेश्चन एक जैसे थे। 2.2 आपकी काफी इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो मैं इसके क्वेश्चन आपके लिए करवा रहा हूँ। और जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा उसके साथ में लिखूंगा, आपको अलग से फॉर्मूला लिखूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 3 साइन इनवर्स 3x - 4x³। ये आपको करना प्रूव, मतलब LHS = RHS, ये चीज आपको लेके आएगी। और उन्होंने बोल रखा जो एक्स सवाल का बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यूज होने वाला फॉर्मूला मैं आपको लिखता हूं, 11th क्लास का फॉर्मूला है, वो लिख के बाद में आपको क्वेश्चन ये सेटअप करेंगे। sin 3x cos 3x, ये दो फॉर्मूले आप लिख रहा हूं, जिसको आते हुए तो बहुत अच्छी बात है। तो एंड कॉस 3x इज ये है दो आपके फॉर्मूले। अभी मैंने आपका LHS बराबर RHS प्रूव कर दिया, बट आप एलिमेंट की बुक में देखोगे ना, एनसीईआरटी में चलो ये क्वेश्चन है, बट एलिमेंट की बुक में जो क्वेश्चन है ना बेटे, ये आपका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसको आप फॉर्मूला का प्रूफ हम करते हैं ना। तो इसको हम कैसे हैंडल करें, किस तरीके से इसको देखा, इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं चलो। तो बेटे ये जो आपको प्रूफ करना है, आपको ना प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस चीज को देखूं ना ध्यान से, इसको कंपेयर करो, 3 के साथ x है, अगर मैं sin x लिया और यहां पे x है, अगर मैं x को sin x रख दूं ना, अगर मैं x को sin x रख दूं तो ये चीज बन जाएगी, ये हो जाएगा sin। तो कहने की बात है मेरे को LHS बराबर RHS को करनी है, मैंने लेगी taking RHS, मैंने ये रिजल्ट बना दिया, आपको ये सामान लेके आना है। अभी इस चीज को देखो, अगर मैं यहाँ पे x देखो, बाहर अगर साइन इनवर्स है, अंदर आपको साइन बनाना है, ठीक है, बाहर अगर साइन इनवर्स है, अंदर आपको क्या बनाना है, साइन, ताकि आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाए, जिससे मेरा वो साइन की फॉर्म में आ रहा है। देखो मैं किससे ले रखा है, 3x है, अगर मैं इसको साइन थीटा रख दूं, x को मैंने रख दिया साइन थीटा, बस। तो यहां से चीज देखो क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 3 sin थीटा, ये हो जाएगा 4 sin³θ, ये साइन का क्यूब हो जाएगा ना। जैसे अभी इस चीज को नजर मार रहे, थोड़ा ये जो चीज है साफ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे x है, बस यहाँ पे थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो ये साइन 3x क्या है, ये साइन 3θ का फॉर्मूला है, सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। साइन थ्री थीटा, बस। अभी यहां से ये बड़ा हमारा बात होगी, तो ये 3θ बड़ा है, ये भी है, यहां से इसको मैंने कट कर दिया, यहां से कौन सा आया 3θ, यहां से आया 3θ। आपको तो ऐसे चले गए कि बेटे अभी जब भी ठीक आओ थ्री करोड़ ना कुछ करोगे, तो यहां से अपनी थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा तो रहेगी साइन की तरह जाके इनवर्स में हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, बस। तो ऐसे हमें हिसाब को करना, अभी थीटा को रिप्लेस कर दो, थीटा को मैंने कर दिया रिप्लेस, 3 sin inverse x इज योर LHS, दिस इज योर रिक्वायर्ड और डिजायर्ड है। इस तरीके का टाइप क्वेश्चन आपको जाने लगता है। एक बार दोबारा अपने इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं, आपको प्रूफ करना है LHS बराबर RHS। मैंने इसके RHS उठाए, मैं x को प्रूफ करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा अंदर मेरा साइन की चीज बड़े साइन की और पट जाइए थोड़ा लग जाए, तो मैंने x को रख दिया साइन की तरह, x की यहाँ पे साइन बताया हुआ था, यहाँ भी साइन बताया हुआ है, तो ये जो चीज बनी है ये तो क्या है, साइन 3x है ना, मतलब साइन 3θ, तो ये फॉर्मा लग जाता है, ये तो खत्म हो गया, 3θ जो यहाँ पे है वो आ जाएगा, और सिर्फ
उसका केवल राशि निकाल लेना है, साइन वापस आंसर आप टैक्स में आएगा क्योंकि आपने इनपुट पढ़ा है, तो थीटा हो गया तो बेटा साइन से आ गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया आंसर है। अभी हम सेम क्वेश्चन को लेते हैं, रास्ते में बिल्कुल सेम क्वेश्चन बने रहा है एज इट इज क्वेश्चन, आप उसको सेल्फ ट्राई करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एज इट इज, बिल्कुल बस साइन लिखना बेटे आप आ जाता है कोस, बस बेटे ये है आपका क्वेश्चन, इसको प्रूव करेंगे इसको, अगर मैं जान सकते तो बेटे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटे, यहाँ पे कोस इनवर्स है वहां पे साइन इनवर्स, तो अगर मैं इसमें अपना एक्स को बेटे अगर मैं आपको पता है इसका मान लो तो अलग समय बताएगा आपको पता है इस चीज का, अगर बाहर आपका कोस इनवर्स है तो अंदर आपको बेटे कोस बनाना है, अगर बाहर आपका कोस इनवर्स है तो अंदर आपको बेटे बनाना है कोस, तो उसके लिए देखो फॉर्मूला आपके दिमाग में घूमने चाहिए कि ये फॉर्मूला लगा एक्स को कोस रख दूं ना, एक्स को अगर हम यहां पर बेटे कोस थीटा रख दें तो जो ये चीज है ये क्या बन जाएगी कोस क्यूब माइनस थ्री कोस थीटा, तो यहां से क्या हो जाता है बेटे ये बन गया आपका कोस थ्री थीटा, बिल्कुल सेम है ना पहले जैसे, ये लग गया आपके फॉर्मूला कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स रेंज है इसलिए, तो यहां पर आएगा थ्री थीटा, थ्री थीटा का थीटा की वैल्यू क्या है निकाल देंगे कोस को जो लेगा इनवर्स में होगा कोस इनवर्स एक्स जस्ट रहा है बेटे, तो ये होगा कोस इनवर्स एक्स, तो थ्री कोस इनवर्स एक्स इज योर एलएचएस, ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये थे बेटे आपके पहले दो क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका बेसिक रेडी कर देंगे बेटे यहां से, आगे का हम अपने और क्वेश्चन देखते हैं, ये तो थे बेटा टोटली इलेवेंथ के कोरोना बेस्ड क्वेश्चन थे इलेवेंथ, अभी हम आगे जो करेंगे ट्वेल्थ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो इसको मेरे इधर रहा हूं मैं देख लेना इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बताइए इधर आपको देखो क्या
अब यहां से ऊपर का कैल्सियम मिल गया 24 ले लेना कैल्सियम का आपका आया 264 ये 48 प्लस 77 और ये बेटा आपका आया 264 माइनस 14 / 264 तो इसको मैं प्रॉपर लिखता हूं सी दिया था ना तो इधर लिख देता हूं tan इनवर्स इसका एलसीएम आया 264 एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेता 48 प्लस 77 इसका एलसीएम नीचे आप मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम तो मिल गया है आपका 264 बेटा ये कट गया आपका नीचे की नीचे एलसीएम कैसे कट गया आपका इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे फर्दर क्या हो जाएगा यहां से tan इनवर्स 77 प्लस 14 आपको 125 ये हो गया 250 125 पूछा 250 हो गया बेटा ये तो tan इनवर्स हम बाय के जानते देखो ये जो आर एच एस ये आपका आंसर आ जाएगा आपको प्रूव करना था तो tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का फार्मूला लगा ये रहा सिंपल सा लग गया मैंने सॉल्व करा मेरा आंसर तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो इसको आगे करते हैं लेकर तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने हमारा देखिए अभी नेक्स्ट में क्या चीज लगानी है सेम ही हम छोटी सी मात्रा है इस तरीके से बेटा उसका आंसर है देखो प्रूफ तो बेटा आगे बता दे तो क्या जो मैंने पिछला फॉर्मूला बताया था उसको लेने क्या कर दे tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y था is equal to tan इनवर्स x plus y by 1 minus x y बेटा यहां पे दो है ना तो नहीं होना चाहिए दो को बेटा खत्म करना पड़ेगा दो को मैं कैसे कर सकता कोई क्या कोई नहीं तो बेटा एक फॉर्मूला होगा आपके पास बता दो आपको भाई फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का भी होता है tan इनवर्स 2x y / x वही है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहां से जो आता है तो सबसे पहले देखो ये आपका ये आपका 2 tan इनवर्स x x आपका होगा राइट होगा इसको इसके ऊपर इक्वल नहीं tan इनवर्स 2x कितना होगा राइट अंदर माइनस अंदर बैक होगा स्क्वायर बेटा ये है कि मैंने ले लिया इसकी आ जाए जैसे ये बैठे बस 2 tan इनवर्स x का लगा दिया tan इनवर्स 2x x ये है 1 माइनस ये जो रिक्वायर्ड है योर आरएचएस
आई होप आपको ये समझ में आ गया और अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आज के दिन हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बने पड़े हैं एलिमेंट के ऊपर भी और ऐसे ही है, तो नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक का लेकर आते हैं। पढ़ाई जबरदस्त क्वेश्चन बड़े नाम के ले रहा हूं। इसके बाद है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े हम लोग जाके ऐसे ही क्वेश्चन है सिंपली मैं वाले देश आपका मैंने ध्यान रखा था इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वाले बढ़ते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन सुना हूं बताइए थोड़ा मुश्किल है थोड़ा तो क्या बनता सामने से तो बट ये मैंने पहले ही निकलवाया क्योंकि ये आपको दिक्कत देता है अभी आपको वो चीज समझ में तो ये आया होगा चार नंबर का आपके पास ठीक है ना बोलते सीधे सीधे बोलो तो नंबर एक क्वेश्चन आया होगा भाई इसको हम जानते हैं कि फोर मार्क आता है कैसे हम इसको करेंगे तो वही चीज है इसमें अगर आपके पास तो कुछ करना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करना है तो इस पे हम एक्स पर अपने एक रेक्टैंगल लिखता है एक्स पर इस पे रेक्टैंगल आपको पता है जब एक्स को लेकर करते हैं तो उधर आप तरह टेन की फॉर्म का जो बनना चाहिए टेन ताकि टेन इनवर्स से टेन कट के आप कहते हैं फोर होते प्रॉपर्टी रहते हैं तो टेन इनवर्स वन प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 10 थीटा तो ये चीज आ अभी इसको सिंपलीफाई करेंगे और आपको अगर टेंशन होगी तो किस तरीके से सिंपलीफाई हो रही है
sec थीटा को हमने सकता हूं 1 by cos थीटा बिल्कुल ठीक बात है। tan को हमने सकते sin by cos थीटा बिल्कुल सही है। इसको सिंपलीफाई कर देते अभी हम देखते हैं आगे ऊपर एलसीएम लोगे पर आते एलसीएम लोगे यहां पर लगा देते तो 1 - cos थीटा by cos थीटा और नीचे आता है sin by cos थीटा तो ये कैंसिल हो गया ना आपका तो इधर से क्या निकलता है आपका 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब यहां पर भी होगा ये क्योंकि अभी मेरा मार्क्स होगा सर टैन बना तो इस चीज को हम आगे और कैसे देखेंगे। तो अभी अभी मैंने आपको पीछे छोड़ना बताया था 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये क्या होता है साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू कोस थीटा बाय 2। तो ये दो फॉर्मूले में आप लगाने वाला हूं ध्यान से देखते चलिए चीजों को 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय एंड जो आपका साइन थीटा है उसका क्या होगा 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू कोस थीटा बाय 2। देखो दोनों क्या है सेम है तो से टू निकल गया और एक पावर से ये पूरा कर दिया ऊपर क्या बचा साइन थीटा बाय 2 नीचे क्या बचा कोस थीटा बाय 2 तो ये आपका क्या बन गया यहां से टेंजेंट थीटा बाय 2। इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखना आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यहां से क्वेश्चन की प्रॉपर्टी ये खाली क्या बच गया थीटा बाय 2 ये बच गया आपका थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 थीटा की वैल्यू क्या है निकालो tan इनवर्स x तो ये हो गया tan इनवर्स x / 2 ये आपका आंसर आ गया बेटा ये इसका आंसर है। इससे आपको पढ़ाई से निकाल लेंगे तो सर गलत हो गया थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं यार बस तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट बेटे क्वेश्चन है शुरू से देख लेते हैं एक बार ये था क्वेश्चन मेरा तो ठीक आया था मेरे को टेंजेंट ये क्या मैंने एक्स को टेन रख दिया बिल्कुल को पता चला टेन रखूंगा फॉर्मूले वगैरह लगेंगे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। तो टेन रखने के बाद बताइए वन प्लस टेन स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर क्या होता है सेकंड स्क्वायर हो जाएगा कितने यहां से सेकंड का मैंने बनवाया तो उसमें मतलब क्या सीन ले लिया ये साइन बाय कोस बराबर है यहां से कितने ये बात डबल माइनस कोस का ये गुणा लगा दिया यहां से साइन लगा दिया इसका फिर क्या आपका ये आंसर आ जाता है कितना की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन